मुझे तो बहुत मजा आया। वो तो दिख ही रहा है। पता है, पार्क का प्रेसिडेंट मेरे डैड का दोस्त है, उन्होंने मुझे राइड करने की स्पेशल परमिशन दी थी। तुम सच में बहुत लकी हो सुनियो। मैं शायद जापान के सभी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों में इकलौता हूँ जिसने ऐसा किया है। डॉल्फिन के ऊपर राइड करता हुआ एक लड़का कितना इंटरेस्टिंग है ना? वो सिर्फ एक डॉल्फिन ही तो है। एक डॉल्फिन से तुम्हारा क्या मतलब? वैसे भी तुम कभी डॉल्फिन की सवारी नहीं कर सकते नोबिता। मैं सवारी कर सकता हूँ। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं दिखा दूंगा कि व्हेल की सवारी कैसे करते हैं। क्या कहा? ठीक है, जब तुमने बोल ही दिया है तो फिर इसे पूरा करके ही दिखाना। अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो जो तुम कहोगे मैं वही काम करूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब रहने भी दो नोबिता, वैसे भी डोरेमोन के पास व्हेल पर राइड करने के लिए कोई भी गैजेट नहीं होगा। ये सही कह रहा है नोबिता। डोरेमोन, व्हेल की सवारी करने के लिए गैजेट? हाँ। नहीं, ऐसा तो कोई गैजेट नहीं है। क्या? अगर मैंने व्हील की सवारी नहीं की तो वो लोग मुझसे कोई मुश्किल काम करवाएंगे। कुछ करो ना डोरेमोन। पर तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था नोबिता। वैसे भी तुम व्हील की पीठ पर सवारी नहीं कर सकते, समझे? हाँ, ये देखो, ये भी तो व्हील की सवारी कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक पिक्चर बुक है। देखो, मैं बताता हूँ, एक असली व्हेल सांस लेने के लिए ही अपनी पीठ सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए पानी से बाहर निकालती है और उसके बाद फौरन ही अंदर चली जाती है। क्या आप तुम समझे? समझा। तुम ये सब मुझे इसलिए कह रहे हो ताकि मैं उनसे हार मान लूं। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद ही चेक कर लो। ये लो। लाओ। चलो शुरू हो जाओ। इसके साथ साथ मुझे कैमरा भी दो ताकि मैं सबूत के तौर पर फोटो खींच सकूं। अच्छा, ये लो। ओके, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे कहाँ जाना चाहिए डोरेमोन? जहाँ तक मुझे लगता है, इस दरवाजे से तुम योजो आइलैंड पहुँचोगे नोबिता। क्या कहा? योजो आइलैंड? ठीक है, फिर मिलेंगे डोरेमोन। एक मिनट रुको। हाँ? ये भी ले लो। ठीक है, वॉचिंग ग्लास। क्या ये दूरबीन है? जिस जानवर को तुम देखना चाहते हो, जब वो 1 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगा तब ये तुम्हें सिग्नल देगा, समझे तुम? इसके अंदर लगे हुए कंप्यूटर में बस व्हेल एंटर करना और ये तुम्हारे लिए एक व्हेल ढूंढ देगा। हाँ, थैंक यू, बाय। लगता है वो जल्दी हार मानकर वापस आ जाएगा। कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। लगता है अब मैं व्हेल नहीं देख पाऊंगा। क्या कहा? व्हेल? मुझे बताया गया था कि यहाँ से व्हेल को देखा जा सकता है। व्हेल देखने के लिए ये गलत मौसम है। क्या? गर्मियों के मौसम में व्हेल खाने की तलाश में नॉर्थ दिशा की तरफ चली जाती है, समझे? नॉर्थ की तरफ? बात पूछो, तुम राइस बॉल्स क्यों बना रहे हो? ओ हाँ, मुझे नॉर्थ की तरफ लंबी ट्रिप पर जाना है। ये सब मेरे लंच के लिए है। लंबी ट्रिप? अब मैं तैयार हूँ। ओके, बाद में मिलेंगे। अरे वाह, मजा आ गया, इसमें तो सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे व्हील पर बैठ जाना चाहिए। अब व्हील पर बैठने का अच्छा मौका है। अरे नोबिता, तुम वॉचिंग ग्लास तो भूल ही गए। हाँ, यहाँ तो बहुत ठंड है। लगता है ये जगह नॉर्थ है, तभी बहुत ठंड लग रही है। अरे क्या बात है,
पहले तो यहाँ पर बहुत सारी व्हेल्स थी। मुझे भूख लग रही है, मुझे कहीं बैठकर कुछ खा लेना चाहिए। अरे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे वाह, ये तो व्हेल है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। इस व्हेल की स्किन तो कितनी ड्राई लग रही है। समझा, ये दूसरी व्हेल से अलग होकर यहाँ आ गई है और अब वापस नहीं जा पा रही। तो ठीक है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। अच्छा ये लो, पानी थोड़ा कम था। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर कहीं से बकेट लेकर आता हूँ। हाँ, हाँ इससे काम बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं? अरे ये क्या? सुनो, वो जरूर तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। उन्हें चिंता हो रही है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उनके पास पहुँचा दूंगा। अगर मैं यहाँ से रेत हटा दूँ तो मैं इसे धकेल कर पानी में वापस ले जा सकता हूँ, फिर परेशानी नहीं होगी। अगर हम इससे मिट्टी हटाएं और व्हेल को धक्का दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तो आप काम शुरू करते हैं। ठीक है। चाहता हूँ नोबिता।
थैंक यू सो मच डोरेमोन, मुझे पता था तुम आओगे। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? पता नहीं डोरेमोन, मुझे पक्का पता है वो बीबी विल अपनी मॉम और डैड के साथ अभी तैर रही होगी और एंजॉय कर रही होगी। मुझे यही लगता है। तो जियान, कैसा लगा मेरा स्टंट? हाँ, रहने दो, इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। लाओ मुझे दो। जियान, ये तो मेरी बारी थी, ये गलत बात है। इस बार मैं ही जाऊँगा, अपनी बकवास बंद करो और मुझे धक्का दो। जियान, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। शिकायत करना बंद करो और मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, ये लो। अब तुम नहीं बचोगे नोबिता। जल्दी से बाहर आ जाओ नोबिता। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा और फिर तुम्हारी खैर नहीं। बच गया। नोबिता तुम घर आ गए। बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। क्या कहा, काम? ये लो काम की लिस्ट और पैसे इसी के अंदर हैं, ठीक है? मॉम, मगर मैं इस वक्त नहीं कर सकता, मुझे काम है। ये लड़का भी ना कभी मेरा कोई काम नहीं करता है। क्या कहा तुमने, सुनियो और जियान बाहर खड़े हैं? हाँ वो लोग बाहर खड़े हैं, इसलिए मैं बाहर जाने से बहुत डर रहा हूँ, कुछ करो ना। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये देता हूँ। A forgetting flower for you। हाँ, इसकी खुशबू कमाल की है। इसे सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। डोरेमोन, ये खुशबू सुनकर मस्त होने का समय नहीं है, मुझे बताओ इसका फायदा क्या है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि इसका फायदा क्या है। नोबिता, तुम्हें ये काम करना ही होगा। डोरेमोन, मेरी मदद करो। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, ये काम करना ही होगा वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। चलो मुझे छोड़ो। आओ मेरे साथ। डोरेमोन, मैं तो भूल ही गया कि मैं आखिर करने क्या वाला था। वो दोनों बाहर नहीं होने चाहिए, अगर वो बाहर हुए तो। हाँ वो दोनों तो बाहर ही है। मॉम, आप तुम जा रहे हो कि नहीं नोबिता? वो, अरे हाँ मुझे याद आ गया। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो बहुत हो गया, जल्दी से जाओ और मेरा ये काम करके आओ, ठीक है? वो लेकिन मॉम, जियानो सुनियो बाहर खड़े हैं। तो क्या हुआ, वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं ना, उन्हीं के साथ चले जाओ और ये अजीब सी हरकतें करना बंद करो। नोबिता, मुझे याद आ गया। डोरेमोन, मैंने नोबिता को कुछ काम कहा है, वो काम करने जा रहा है, उसे तंग मत करो। वाह क्या खुशबू है। अरे मुझे कुछ काम करना था पर मैं भूल रही हूँ। मॉम, मेरे ख्याल से आप बाहर कुछ लेने जा रही थी। अरे हाँ मुझे याद आ गया, नोबिता ये बैग मुझे दो, मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? बाय। ध्यान रखिएगा मॉम। ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, जब भी कोई इस फ्लावर को सूंघेगा तो वो भूल जाएगा कि वो क्या करने वाला था, कुछ समझे? समझा, तो अगर मैं जियान और सुनियो को ये फूल सूंघा दूँ तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, है ना डोरेमोन? तुमने सही कहा, वो बिल्कुल भूल जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी पिटाई करनी थी। ला 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 ला। यहाँ आने के लिए तुम दोनों को थैंक यू। क्या क्या तुमने मुझे अभी थैंक यू कहा? कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे कितना मजा आ रहा है। मैं तो भूल गया मैं अभी क्या करने वाला था। शायद तुम सुनियो की पिटाई करने वाले थे। हाँ तुमने सही कहा, सुनियो। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो जियान। अपनी बकवास बंद करो, भागो, जाओ वापस इधर आओ। अरे वाह, मैंने कर दिखाया, मेरा काम बन गया। तो अब कहो नोबिता, तुम्हारा काम बन गया ना? बिल्कुल डोरेमोन, ये फूल तो मजेदार है। मैं एक बात सोच रहा था, ये फूल मैं थोड़ी देर के लिए रख लूं? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है, समझे तुम? फिक्र मत करो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ये तुम्हें थोड़ी देर बाद लौटा दूंगा। ओ नहीं, ये फूल तो वाकई ही बढ़िया है,
अब मैं सोच रहा था कि मैं इसे किस पर इस्तेमाल करूं। अरे सर यहाँ क्या कर रहे हैं? नोबिता वहीं पर रुक जाओ। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? नोबिता ये बताओ तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? सर बात ये है कि मैं वो देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि खेलने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया करो। अरे मैं तुम्हें क्या कहने वाला था, मैं तो भूल गया। आपने कहा था कि अपने होमवर्क के बारे में भूल जाओ और जाके जी भर के खेलो। अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जी भर के खेलो जी भर के। अरे वाह ये भूल तो बहुत काम का है। तुम्हें क्या हो गया है जियान, अपने आप को संभालो। मैं ठीक कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की? अब मैं अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ जियान, तुम नोबिता की पिटाई करने वाले थे और पता नहीं क्यों पिटाई करने लग गए मेरी। मुझे याद आ गया है, मैं नोबिता को नहीं छोड़ने वाला। हाँ मत छोड़ना। वाह वाह ये फूल तो बहुत अच्छा है, अब मैं इस फूल को किस पे ट्राई करूँ? हे नोबिता मैंने कहा रुक जाओ। इसे दोबारा सूंघो। कितनी अच्छी खुशबू है। मैं अभी क्या करने वाला था? सुनियो की पिटाई जियान। हाँ तुमने सही कहा नोबिता। ओ नहीं जियान तुम फिर से गलती करने जा रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो जियान। मैंने कहा रुक जाओ सुनियो। जब तक मेरे पास ये खुशबू वाला फूल है मुझे जियान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नोबिता के साथ कोई गड़बड़ ना हुई हो। अरे हाँ मैं ये शिजुका को भी दिखाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। अरे हाँ सही कहा। ये शिजुका भी ना। अरे नोबिता तुम यहाँ? तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी में। हमें वहाँ थोड़ा काम है नोबिता। ओ अरे कितनी अच्छी खुशबू है। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं कहाँ जा रही थी। शायद तुम घर जा रही थी शिजुका। हाँ सही कहा। अच्छा फिर मिलेंगे डेकी सुगी, बाय। ठीक है बाय बाय। पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा था। तुमने तो कहा था तुम लाइब्रेरी जा रही हो। हाँ सही कहा, चलो बाद में मिलते हैं। अरे वाह मैंने कर दिखाया। समझ नहीं आ रहा जियान ने आखिर मुझे मारा क्यों, बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ अब समझा, ये सारी गड़बड़ उस अजीब से दिखने वाले फूल की वजह से हुई है जो नोबिता के हाथ में था। हाँ डोरेमोन मेरी बेकार में चिंता कर रहा होगा, मुझे घर जाना चाहिए। तो ठीक है मैं नोबिता को अभी सबक सिखाता हूँ। हे नोबिता सुनो, अपने इस फूल को जरा सूंघ के तो देखो। कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ सुनियो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं करने क्या वाला था, मैं भूल गया। वो दरअसल तुम, हाँ तुम कह रहे थे कि तुम टेलीफोन पोल को साफ करोगे, ये लो। हाँ तुमने सही कहा सुनियो। अरे नोबिता इस फूल को अच्छी तरीके से साफ कर देना, ठीक है? इस फूल की वजह से जियान ने मुझे पीटा था, ये फूल तो बड़े काम का है, क्यों ना मैं एक काम करूं इस फूल का इस्तेमाल किसी और पर भी करके देखता हूँ। सुनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुनियो? जरा इसे सूंघो तो। अरे मैं अभी यहाँ क्या करने वाला था? तुम अपना गेम मुझे खेलने के लिए देने वाले थे। हाँ सही कहा, ये लो जितना मर्जी उतना खेल लो। नोबिता मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ सफाई क्यों कर रहे हो। वो तो मुझे भी नहीं पता। और मेरा फ्लावर कहाँ है? तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ मुझे याद आ गया, वो तो सुनियो मुझे जबरदस्ती ले गया। ला 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 वाह कितना मजा आ रहा है, अब मुझे इसे किस पर ट्राई करना चाहिए? ओ नहीं मुझे बाथरूम जाना है। वाह क्या खुशबू है। देखो वो रहा। लेकिन सड़क पर ये सुनियो कर क्या रहा है? अरे मैं तो भूल ही गया मैं यहाँ क्या कर रहा था। जरा सुनो सुनियो। अरे नोबिता डोरेमोन क्या तुम बता सकते हो मैं यहाँ क्या करने वाला था, बोलो। हमें कैसे पता होगा कि तुम क्या कर रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जरूरी काम करने वाला था, लेकिन क्या था वो
नोबिता, मुझे लगता है सुनियो ने खुद भी इस फ्लावर को सूंघ लिया है। जरा बताओगे नोबिता मैं क्या करने वाला था? तुम शायद इससे सड़क की सफाई करने वाले थे। तुमने बिल्कुल सही कहा, सड़क हमारे लिए जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी सफाई। हमें इस सड़क को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्यों है ना दोस्तों? नहीं, मुझे याद आ गया। अच्छा मजा चखाया। वो समय पर पहुंच जाना चाहिए। ये मजेदार है, भूलने वाले फूल में शानदार ताकत है। ये गैजेट मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। हाँ, और इस दिन तुम्हें बिना बात के सफाई भी करनी पड़ गई, क्यों है ना नोबिता? मॉम आप यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम ना करने की? मैं मुझे थोड़ा जरूरी काम था। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब कुछ भुला दो। उस फ्लावर की वजह से ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही भूलते हैं नोबिता, हमेशा के लिए नहीं। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई?